हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल। जो लोग भी नए हैं, दिस इज समथिंग अबाउट चैनल, आप देख लीजिएगा। एंड करेंटली वी आर प्रोवाइडिंग दीज कोर्सेज विच आर बेनिफिशियल फॉर गिवन एग्जाम्स, यू कैन सी। एंड दिस इज समथिंग अबाउट फैकल्टीज, आप देख लीजिएगा। इस स्लाइड को मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी तक हमारा जो प्रीवियस ईयर का जो ये पैटर्न चल रहा है, उसमें हमारी इंडियन पॉलिटी खत्म हो चुकी है। तो लेक्चर अपने हो चुके हैं, पीवाईपी के 166 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब अपनी साइंस शुरू हो रही है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स, पहले इन्हीं को समझते हैं। देखिए जो आपका आयनिक कंपाउंड होता है वो बना होता है आयनिक बॉन्ड का, ठीक है। जो कंपाउंड आयनिक बॉन्ड से बने होते हैं उनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एन ए पॉजिटिव और ये सी एल निगेटिव, ये आपको एन ए सी एल नमक देता है ना, ठीक है। तो जिन पर पॉजिटिव आयन होता है उनको हम कैटायन बोलते हैं, कैटायन, और निगेटिव जिन पर होता है उनको हम एन आयन बोलते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कैटायन और एन आयन के की बॉन्डिंग से जो भी कंपाउंड बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड इन नेचर होते हैं, सॉलिड होते हैं, और उसी के साथ ब्रिटल भी होते हैं, मतलब तोड़ दोगे तो वो क्षणभंगुर हो जाएंगे, चूरा टाइप, ठीक है। तो सॉलिड इन नेचर और ब्रिटल भी होते हैं, और इसी के साथ साथ इनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका जो होता है वो हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इस टाइप के जो भी, मतलब कैटायन एनायन से बने हुए जो भी बॉन्ड बनते हैं या कंपाउंड बनते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एक प्रकार का, ठीक है। एक टाइप का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच में बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से ये सॉलिड भी होते हैं। इसी रीजन की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो देखिए अपना पहला, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये आपका स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा देखते हैं कार्बन कंपाउंड। तो पहले समझिए कार्बन कंपाउंड क्या होता है। जो कार्बन कंपाउंड आपके होते हैं, कार्बन कंपाउंड ये समझ लीजिए, तो ये होते हैं, ये कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, कोवेलेंट नेचर होता है इनका, इनकी बॉन्डिंग का, और ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड से बने होते हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्ड। वहाँ आयनिक बॉन्ड था, यहाँ पर मॉलिक्यूलर बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। तो ये जो होता है बॉन्ड, ये बहुत ही वीक होता है इसके कंपैरिजन में, आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में ये वीक रहता है और ये बहुत ही स्ट्रांग रहता है। तो कोवेलेंट नेचर होने की वजह से ये अपना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिनकी वजह से अगर इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए तो उसमें फ्लो ऑफ एनर्जी जो होगा, फ्लो ऑफ एनर्जी वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये वीक बॉन्ड है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आप देखते हैं। और ये वीक होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी लो रहता है, और बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो भी लो रहता है। अब स्टेटमेंट देखते हैं अपने, कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जब कोई कंडक्टर अच्छा कब होगा, जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया इस वाले कंपाउंड का, तो इसमें जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, मूव ही नहीं करेंगे, तो फ्लो ऑफ एनर्जी कहाँ से होगा, तो ये बैड कंडक्टर हो गया ना। तो ये आपका, ये भी सही है कार्बन कंपाउंड। अगर यहीं पे बात मैं करूँ ये आयनिक कंपाउंड्स की, तो देखिए जैसे नमक है, अगर इसको पानी में एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, उस पर पानी में घोलेंगे तो देखिए एन ए पॉजिटिव वाला हो जाएगा, सी एल निगेटिव हो जाएगा, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल जाएंगे, मूवमेंट होगा, इसलिए इसमें करंट पास हो जाएगी, और इसमें इस वाले केस में नहीं होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए यहाँ मैंने आपको बता दिया, वीक बेस होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये लो होता है, ठीक। तो आपके जो तीनों ही ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं। हाउ मैनी हाइड्रोजन आइटम्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्रोपेन। तो देखिए क्लोरोप्रोपेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C3H7Cl। तो देखिए यहीं से आपको पता चल जा रहा है हाइड्रोजन के आइटम कितने हैं, H7 है ना आपके, तो करेक्ट ऑप्शन आपका 2 है। वैसे देख लीजिए इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, C H H H, यहाँ एक H आ गया, ये कचा आ गया, और ये से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 H हो गए, 1 Cl हो गया, और ये जो 3 कार्बन आपके हो गए, ये इसका स्ट्रक्चर है।
तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बन कितने आइटम हैं, तो कार्बन के 3 आइटम हैं, हाइड्रोजन के 1, हाइड्रोजन के 7 हैं और सील का 1 है। अगर सॉइल एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो देखिए क्विक लाइम यूज करते हैं, स्लेक लाइम या दोनों ही, हम दोनों ही यूज करते हैं, बोथ ऑप्शन करेक्ट है। देख लिए क्विक लाइम जो होता है वो आपका होता है CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बट इन सॉलिड फॉर्म। स्लेक लाइम आपका जो होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बट इन सॉलिड फॉर्म। और एक आपने और सुना होगा लाइम वाटर, ठीक है, तो ये भी आपका CaOH का होल ट्वाइस होता है बट हाइड्रेटेड होता है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, ये फ़र्क भी ध्यान रखिएगा, कभी पूछ सकते हैं। तो दोनों का ही हम यूज़ करते हैं। विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो देखिए ये चारों से ही बना होता है, कार्बन क्रोम निकल मैगनीज सबसे बना होता है, और इसमें आयरन भी होता है। तो जो ये जो मेजर कंपाउंड है, सॉरी एलिमेंट है जो होते हैं, और इसके अलावा और भी होते हैं बहुत ही कम परसेंटेज में होते हैं, तो इसको देखिए याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, कार्बन का कार ले लीजिए, क्रोम ब्राउजर होता है क्रोमियम से, क्रोम ब्राउजर ले लीजिए, निकल को निकाल कर दीजिए और मैग्नीज को मंगानी, ठीक है, कार क्रोम पे सर्च कर, कार क्रोम से निकाल कर मंगानी, मतलब आप कोई कार है उसको क्रोम पे सर्च कर रहे हैं और फिर उसको मंगाना चाह रहे हैं, तो वही कार क्रोम से निकाल कर मंगानी है, इस तरीके से कोडिंग याद कर लीजिएगा, तो सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल कंडक्टर इज, देखिए किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है आर, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके क्रॉस सेक्शनल के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है, तो देख लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, ये आपका ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, नहीं इन्वर्सली होता तो ये आपका गलत हो गया, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, ये तो पहले ही बता दिया ये गलत है, तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इनसाइड ए सोलेनॉइड इट्स मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहती है, तो देखिए सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड जो आपका होता है वो कॉइल ऑफ वायर होती है, ठीक है, तारों की बनी हुई कॉइल ही होती है जिसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं, तो इसके एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, तो इसके एक एंड से दूसरे एंड तक जाने पे अगर इसी के अंदर ही जा रहे हैं तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी रहती है वो सेम रहती है, तो ऑप्शन देख लीजिए रिमेंस सेम, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। व्हाट काइंड ऑफ मिरर वुड बी बेस्ट सुटेड फॉर यूज इन ए सोलर कुकर, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपसे मिरर की बात कही है या लेंस की बात की है, क्योंकि मिरर और लेंस में चीज़ें अपोजिट हो जाती हैं, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो कह क्या रहे हैं, मिरर के मतलब रिलेटिवली क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर लेंस के रिपीट, ठीक है, तो यहाँ तो मिरर का पूछा है, तो देखिए ये पूछ रहे हैं कि अगर एक सोलर कुकर हो, जो सौर ऊर्जा से जो कुकर हो उसमें अगर आपको कोई मिरर लगाना हो जल्दी खाना आपका बन सके तो कौन सा मिरर आप यूज करेंगे, तो देखिए दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉनवेक्स। कॉनकेव का काम होता है जो रेज आती हैं या जो लाइट या जो भी है उसको कन्वर्ज करना, कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पर सारी इकट्ठी करना, और कॉनवेक्स होता है डाइवर्ज मतलब एक पॉइंट से दूसरा फैलाना, ये इधर साइड और ये इनसाइड, ठीक है, तो देखिए ये जो मिरर आपका रहता है वो ऐसा रहता है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक, यहाँ पे पॉलिश रहती है, तो ये आपकी एक्सिस हो गई, तो यहाँ से देखिए ये जो रेज आती हैं इस तरीके से, तो ये क्या करता है, ये इस तरीके से लाके इसको कन्वर्ज कर देता है इस पॉइंट पे, तो जितनी भी हीट आएगी या जितनी भी आएगी सब एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है, और ये कॉनवेक्स क्या करता है, यहाँ इसमें पॉलिश इस तरीके से रहती है और यहाँ ये इसकी एक्सेस हो गई, यहाँ ये रेज आ रही है इस तरीके से, तो ये इस तरीके से
डाइवर्ज करता है इसको, मतलब इसने फैला दिया, यहाँ से आई, यहाँ टकराई और इमेजिनरी माना जाता है कि आगे जाके मिल रही होगी। तो कॉन्वेक्स का आपका काम ये रहता है। तो एक चीज़ बताइए, जब आपको किसी कुकर सोलर कुकर में आपको खाना बनाना है तो आप हीट को एक जगह पे इकट्ठा करेंगे या फैलाएंगे? ऑब्वियसली उसको इकट्ठा करना चाहेंगे, तभी तो जल्दी खाना आपका पकेगा। तो कौन सा लेंस, सॉरी कौन सा मिरर यूज़ करेंगे आप? कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये देखिए एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है ना, इसीलिए वो ऑप्शन वन इज करेक्ट। सिलिकॉन इज विच टाइप ऑफ मटेरियल? जो सिलिकॉन है वो आपका एक सेमी कंडक्टर है, ऑप्शन वन इज करेक्ट। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं ये? ना तो नॉट गुड कंडक्टर और ना ही ये इंसुलेटर अच्छे होते हैं, ठीक है, ना ही अच्छे सुचालक होते हैं, ना ही अच्छे कुचालक होते हैं। तो ये सेमी कंडक्टर होते हैं। तो ये सिलिकॉन जो है आपका सेमी कंडक्टर है, और इसके अलावा एक जर्मेनियम भी होता है, ये भी आपका सेमी कंडक्टर होता है, पूछा जा सकता है। विच विटामिन इज फाउंड इन लेमन? लेमन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो लेमन में विटामिन सी पाया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। द ब्लड क्लॉट फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्न में से किसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है? तो आपकी ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो प्लेटलेट्स की वजह से होती है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। देखिए ब्लड क्लॉटिंग और किस किस वजह से होती है, देखिए एक तो आपका प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है, पहला। दूसरा आपके विटामिन के की वजह से भी होती है ब्लड क्लॉटिंग, और फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये एक टाइप के प्रोटीन होते हैं जो कि लीवर में फॉर्म होते हैं, फॉर्मड इन लीवर, ठीक है, इनकी वजह से भी ब्लड क्लॉटिंग होती है, हेल्प करते हैं। और आपके कैल्शियम की वजह से भी ब्लड क्लॉटिंग होती है, इतनी चीज़ों की वजह से आपकी ब्लड क्लॉटिंग होती है, ध्यान रखिए, कुछ भी पूछ सकते हैं। बाय इट्स विच पार्ट ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस? ब्रायोफाइलम के किस पार्ट से रिप्रोडक्शन हो सकता है या होता है? किसी भी प्लांट्स के, कोई एक प्लांट है मान लीजिए, ठीक है, उसके जितने क्या, दो ही होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये कहाँ होते हैं किसी भी प्लांट के? ये आपको फ्लावर में मिलेंगे, उसका जो फ्लावर होता है ना, उसी में मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है रिप्रोडक्शन वाला। तो अब बात करते हैं ऐसे प्लांट्स की जिनमें फ्लावर नहीं आते हैं। तो इस टाइप के जो प्लांट्स रहते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? वो भी तो बढ़ते रहते हैं ना, अपना प्रजनन उनका भी होता रहता है, तो वो कैसे करते हैं? तो वो होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, ये सिस्टम के थ्रू होते हैं। ये सब आप लाइफ साइंस के लेक्चर में डीपली पढ़ेंगे, ये आपको पढ़ाए जाएंगे सब कुछ, अभी आप समझ लीजिए, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है जिनमें फ्लावर नहीं होता है। तो ये देखिए आपका दो तरीके से होता है, एक जो आपका होता है बाई स्टेम होता है, और एक जो होता है आपका बाई लीफ होता है, पत्तियों के द्वारा, ठीक है, जिनमें फ्लावर नहीं आते। तो स्टेम में देख लीजिए एग्जांपल पोटैटो, जैसे आलू होता है, जैसे मान लीजिए आलू, इसका अगर छोटा सा भी आप पार्ट काट के ज़मीन में गड़ा देंगे तो वो दोबारा से नया आलू बन जाता है। तो देखिए यहाँ कोई फ्लावर की ज़रूरत थोड़ा ना हुई। तो ये बाई स्टेम होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और एक होता है लीफ, लीफ का जैसे इसका एग्जाम्पल ही ब्रायोफाइलम है आपका, ये जो एग्ज़ाम्पल है ये ब्रायोफाइलम है, ठीक, ब्रायोफाइलम। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो पत्ती होती है ना, वहां पर ही ये अपना नया पौधा निकल आता है, ये इस तरीके से कुछ, और ये जब टूट के पानी में गिर जाते हैं तो एक नया ब्रायोफाइलम बन जाता है। तो देख लीजिए ब्रायोफाइलम के बारे में पूछ रहे हैं, तो ब्रायोफाइलम का जो रिप्रोडक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा? लीव्स के थ्रू होगा, ऑप्शन टू इज करेक्ट। सेक्स ऑफ द बेबी डिपेंड्स ऑन हूज क्रोमोसोम? किसके क्रोमोसोम पे जो बच्चा होता है उसका लिंग निर्धारित होता है? देखिए मेल और फीमेल, मेल के जो क्रोमोसोम होते हैं सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक्स वाई होते हैं, और फीमेल के एक्स होते हैं, इन्हीं से ये आपस में बनते हैं। तो देखिए फीमेल से तो एक्स आएगा ही, कि उसके पास है नहीं, और मेल से आपका एक्स भी आ सकता है और एक्स वाई भी आ सकता है, क्योंकि वाई इसी के पास है ना, एक ये देगा तो एक्स एक्स आएगा तो गर्ल होगी, एक्स वाई आएगा तो बॉय होगा, ठीक है। तो देखा जा रहा है यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है, फीमेल के पास तो एक्स है, वो अपना दे रही है, एक्स और वाई ये डिपेंड कर रहा है मेल पे, यानी कि फादर पे। तो देख लीजिए ऑप्शन टू इज करेक्ट, फादर।
द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन से जो ह्यूमन आई होती है उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है। देखिए जैसे ये आपकी ह्यूमन आई है, ठीक है, उसका लेंस है ये, तो यहाँ पर आपकी होती हैं स्लेरी मसल्स, ये एक मसल्स इनको होल्ड करती हैं लेंस को। ये जो स्लेरी मसल्स होती है ना, यही लेंथ लेंस को होल्ड करती हैं और यही एडजस्ट करती हैं, जिसकी वजह से उसकी फोकल लेंथ ही कम या ज़्यादा होती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। तो देखिए मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाई, इससे पहले आपको ये समझना होगा जो अपना किंगडम क्लासिफिकेशन होता है वो 5 टाइप का होता है, ठीक है। तो एक तो देखिए उसमें आता है आपका मोनेरा, दूसरा आता है प्रोटिस्टा, तीसरा आता है फंजाई, चौथा होता है आपका एनीमेलिया, और पांचवा जो आपका रहता है वो रहता है प्लांटी। तो देखिए इसमें ये जो दोनों होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, और ये तीन जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। तो अब देखते हैं मोनेरा आर मल्टीसेलुलर, देखिए मोनेरा आपका यूनिसेलुलर, तो ये आपका गलत हो गया। प्रोटेस्टा आर ऑलवेज मल्टीसेलुलर, देखिए ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी गलत हो गया। फंजाई डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, देखिए फंजाई जो आपकी है वो ऑटोट्रॉफ होती है, ऑटोट्रॉफ, वो अपना खाना खुद नहीं बनाती, दूसरों पर डिपेंड रहता है। तो देखिए जब उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता ही नहीं है, दूसरों पर डिपेंड रहता है, खाना खुद नहीं बनाता है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं उसमें, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। फंजाई डू नॉट हैव सेल वॉल, फंजाई के पास सेल वॉल नहीं होती है, ये भी आपका गलत है। उसकी सेल वॉल होती है जिसको हम काइटिन बोलते हैं, काइटिन, उसकी काइटिन की बनी होती है। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाई मेटल टॉक्सिसिटी, ठीक है, मतलब ये पूछ रहे हैं कौन सी बीमारी जो मेटल जो होता है आपका उसकी टॉक्सिसिटी से नहीं होती है। तो देखिए मीना माटा, जैसे मान लीजिए आपका जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें अगर HG की मात्रा बढ़ जाए तब ये बीमारी होती है। इटाई इटाई, ये इसको आउच आउच भी बोलते हैं, आउच आउच, ये तब होती जब आपके ड्रिंकिंग वाटर में कैडमियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए। डर्मेटाइटिस, देखिए आपकी ये स्किन रिलेटेड बीमारी है, ठीक है, ये आपकी इम्यूनिटी लो हो जाए या इंटरनल आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से आपको स्किन प्रॉब्लम हो जाए। तो देखिए ये इंटरनल प्रॉब्लम है बॉडी की, ये बाहर आउटर सोर्स है, जैसे कि जो मेटल्स या मिनरल्स हैं जो आपको पानी से मिलते हैं उसमें अगर ये चीज़ें पड़ती हैं तो ये पूछो कौन सा नहीं है। तो देखिए डर्मेटाइटिस आपकी नहीं है ये, क्योंकि बॉडी की प्रॉब्लम है। और इसके अलावा तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है, इसके अलावा मैं आपको और बता दे रहा हूँ, HG की मात्रा बढ़ती है तो मिनामाटा, और कैडमियम की इटाई इटाई आउच आउच, एक आपकी और होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये आपका जब आपके में नाइट्रेट ड्रिंकिंग वाटर में मात्रा उसकी बढ़ जाती तब होता है। और एक आपका और होता है वो होता है ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, ये डिजीज़ आपको तब होती है जब आपके में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है, किसमें, ड्रिंकिंग वाटर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब पूछे जा चुके हैं। विच इज़ नॉट एन इनऑर्गेनिक गैस, कौन सी जो है वो इनऑर्गेनिक गैस नहीं है। देखिए अमोनिया क्या होता है, NH3, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और मीथेन जो आपका होता है वो CH4 होता है, ठीक है। देखिए ये इनऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक गैस है, ये इनऑर्गेनिक, ये जो मीथेन है आपकी, ये हाइड्रो, जो भी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो मीथेन जो आपका हो गया, ये देखिए हाइड्रोकार्बन है ना एक, तो ये आपका हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग, देखिए एक यहाँ पे कॉलम ए में कन्वेंशन लिखे हुए हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपके जो प्रोविजन हुए थे कमेटी या उसमें मीटिंग्स में, और एक तरफ किस प्रोविजन पे हुआ है। तो देखिए पेसल कन्वेंशन जो आपका है वो हजार्डस वेस्ट डंपिंग से रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल जो आपका है वो ओजोन लेयर से रिलेटेड है, क्योटो प्रोटोकॉल आपका ग्रीन हाउस से रिलेटेड है। तो देख लीजिए पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का तीसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे तीसरा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आइडेंटिफाई करेक्ट टाइप ऑफ फूड चेन, देखिए ये प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, ग्रास, ग्रास को रैबिट ने खाया और रैबिट को फॉक्स ने खाया, तो ये जो फूड चेन होती है ये आपकी ग्रेजिंग फूड चेन होती है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इन ए रिएक्शन व्हाट इज़ द लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय सब्सटेंस कॉल्ड एज, जब किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिलीज होती है या उसका लॉस होता है तो वो
किस टाइप की रिएक्शन होती है। तो ये मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो देखिए, किसी भी रिएक्शन में मान लीजिए जैसे कोई एक सब्सटेंस है, कोई रिएक्शन आपकी चल रही है, उसमें अगर ऑक्सीजन आपकी जुड़ती है तो ये आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। और उसमें अगर हाइड्रोजन रिलीज हो रही है तो भी ये आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन टू इज करेक्ट। हाइड्रोजन लूज होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। आप समझिए, जब किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन निकल रही हो या हाइड्रोजन जुड़ रही हो तो ये दोनों आपके रिडक्शन कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पिछले वाले में ये पूछा गया था। ऑप्शन टू इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, निम्न में से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हैं। देखिए, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। तो देखिए, जो मेटल्स होते हैं वो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो उनका मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका जो रहता है ये नेचर में बेसिक रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए Mg+O2, तो ये आपका बनाता है 2MgO, ये आपका मेटल है। इसका ऑक्सीडेशन करने पे ये देखिए मेटल ऑक्साइड बना, ये बेसिक है नेचर में। तो देख रहे हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, ये आपका करेक्ट हो गया। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक नेचर, ऐसे ही सेम इसी पैटर्न पे, जब नॉन मेटेलिक नॉन मेटल जो होती है वो ऑक्सीडेशन उसका होता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है। लेकिन ये जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, तो ये आपका गलत हो गया, इन्होंने बेस कह दिया है। और ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, ये आपका सही है। जितने भी एसिड्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम रहती हैं। बस ज़्यादा ज़्यादा ये हो सकता है, कोई एसिड है वो स्ट्रांग हो सकता है और कोई वीक हो सकता है। तो ये भी आपका सही है। तो देख लीजिए, ऑप्शन 1 और 3 करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। तो देखिए, दो टाइप की चीज़ें होती है, इसको पहले समझ लीजिए। एक होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, और इससे मिलकर आपका बनता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूट किसको घोला जा रहा है और सॉल्वेंट होता है किस में घोला जा रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए शुगर प्लस वाटर, तो आपका शुगर सिरप बन जाता है ना। तो देखिए, चीनी को पानी में घोला जा रहा है तो ये सॉल्यूशन बना, जो शुगर सॉल्यूशन। तो देखिए, ये सॉल्यूट हो गया आपका, ये सॉल्वेंट कहला हो गया। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ये इसी टाइप का होता है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाता है। बस जब दो अलग अलग स्टेट की, मतलब लिक्विड गैस सॉलिड, जब दो डिफरेंट होती हैं एक्स और प्लस वाई, अलग अलग स्टेट्स को मिलाया जाता है तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने पूछा है लिक्विड और सॉलिड, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, यानी कि लिक्विड को सॉलिड में घोला जा रहा है। तो जब लिक्विड को सॉलिड में घोला जाता है तो ये जेल बनाता है, जेल। फॉर एग्जांपल इसके हैं जैसे कि चीज़ हो गया आपका, बटर हो गया। तो देखिए, यहाँ पे को आपके क्वेश्चन का आंसर निकल आया चीज़, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब और पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए, अगर सॉलिड को लिक्विड में घोला जाता तब आपका बनता है सॉल्यूशन, जैसे कि पेंट्स। और जैसे मान लीजिए लिक्विड को लिक्विड में घोला जाए तो ये बनेगा आपका इमल्सन, इसका एग्जांपल होता है मिल्क। और अगर लिक्विड को, ये प्रीवियस लेक्चर में भी ये आपका आया था, ये पढ़ाया था मैंने, लिक्विड को जब गैस में घोला जाता है तब आपका बनता है एरोसॉल, फॉर इसका एग्जांपल फॉग। ये सब ध्यान रखिएगा, पूछा गया था प्रीवियस लेक्चर में, ये आया भी था आपका क्वेश्चन। हाइड्रोजन क्लोराइड इज, वो डायटोमिक है, ट्राइटोमिक है, पॉलीटोमिक है। देखिए HCl बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड मीन्स HCl, ये बनता है H2+Cl2 2HCl। तो देख लीजिए, हाइड्रोजन के कितने आइटम हैं, दो है ना, तो ये डायटोमिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या होता है। तो देखिए, रिफ्रैक्शन क्या होता है ये मैंने पीछे लेक्चर में आपको बताया था, दोबारा देख लीजिए। जैसे ये मान लीजिए आपका एक मीडियम, ये एयर है आपका और एक ये वाटर है, डिफरेंट मीडियम होना चाहिए। तो ये मान लीजिए आपकी इंसिडेंट रे आई आपकी, और ये आपका नॉर्मल है,
इंसिडेंट रे, ठीक है, इसने ये एंगल बनाया, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। तो जब ये दूसरे मीडियम में जाती है तो ये अपने पाथ से कुछ हल्की सी डिफ्लेक्ट होती है, मतलब पाथ हल्का सा चेंज करती है, तो ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन एंगल, और ये जो कंडीशन रहती है पूरी इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसीलिए जब आप, जैसे मान लीजिए आप पेंसिल है उसको बाल्टी में पानी भरा हुआ, उसमें आप हल्की सी आधी उसमें डुबोते हैं तो देखते हो कि जो अंदर पानी के अंदर जो पेंसिल है वो हल्की सी आपको ऊपर उठी दिखाई देती होगी, लगता होगा आपने डाली तो सीधी है लेकिन वो फिर भी ऊपर की ओर भाग रही है, मतलब उसने अपना हल्का सा जो मूवमेंट है वो लिया है, पाथ को चेंज किया है। तो देखते हैं आप अपना ऑप्शन, द अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पेंसिल पार्सली इमर्स्ड इन वाटर, देखिए यही है, तो ये आपका रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। सन अपीयर्स बिफोर द सनराइज, ये भी रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। स्काई अपीयर्स ब्लू, ये नहीं होता है, ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो देख लीजिए ऑप्शन वन एंड टू करेक्ट है। अगर दो रजिस्टर्स आर वन एंड आर टू वो सीरीज में जुड़े हुए हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, क्वेश्चन ये पूछा है आपसे। तो देखिए जैसे कि ये आर वन है, सीरीज में लगे हुए हैं आर वन आर टू, तो टोटल इनका रेजिस्टेंस कितना होगा, वो होगा आर वन प्लस आर टू, तो ऑप्शन टू इज करेक्ट। और यही अगर आपके सीरीज में लगे होते हैं, जैसे ये R1 और ये R2, सॉरी ये सीरीज में लगे हैं, ये आपके पैरेलल लगे हुए हैं, ठीक है। तो पैरेलल जब लगे रहते हैं तो टोटल जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है वन अपान आर इक्वल टू वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू, इस तरीके से निकालते हैं। द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, इनडायरेक्टली ये आपसे फैराडे का लॉ पूछ रहे हैं, ठीक है। तो फैराडे का लॉ जो है वो क्या कहता है कि जो मैग्नेट और कॉइल होती है उसके बीच में जो करंट फ्लो होता है, एक जैसे मान लीजिए सिस्टम ये बना हुआ कॉइल का पूरा, उसमें जो करंट फ्लो होता है वो मैग्नेट और कॉइल के बीच में जो रिलेटिवली मोशन होता है उसकी वजह से होता है, तो ये फैराडे का लॉ है। तो देख लीजिए, इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड द कॉइल, तो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। लाइट वेव्स आर, लाइट किस तरह की वेव्स हैं, तो ये जो लाइट होती हैं आपकी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, साथ ही साथ नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव भी होती है। तो देखिए आज समझते हैं, लाइट जो होती है वो दोनों तरीके से बिहेव करती है, वेव भी और एज ए पार्टिकल भी, पहला पॉइंट ये पूछा सकता है। और दूसरा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये तो बता दिया, नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव भी है। नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव होने का मतलब है इसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, और जो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव होती है उनके लिए मीडियम चाहिए होता है। तो एग्जांपल के लिए जैसे कि साउंड, साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है, ये कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ से। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी होने से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है, और स्कर्वी जो हो, ऑप्शन टू इज करेक्ट। और ये होती है विटामिन सी की कमी से, पोलियो ये तो वायरल डिजीज़ है, और गोइटर जो होती है वो आयोडीन की कमी से होती है, ठीक है। तो सभी पूछ देख लीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स, जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स ऊपर जाती है नीचे जाती है, तो देखिए जैसे ये ह्यूमन बॉडी है इसमें ये आपका लंग्स वाला डायाफ्रेम है, इस तरीके से यहाँ पर आपकी रिब्स होती हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स आपकी जो हैं वो अपवर्ड जाती हैं और ये डाउनवर्ड, और जब सांस छोड़ते हैं तभी ये रिब्स जो हैं आपकी डाउनवर्ड जाती हैं और डायाफ्रेम अपवर्ड जाता है। तो देख लीजिए, मूव डाउनवर्ड्स, ऑप्शन टू इज करेक्ट। जो एक हेल्दी ह्यूमन होता है उसके एक एम एल जो ब्लड होता है उसमें कितनी आरबीसीज होती हैं, तो उसमें आरबीसीज जो रहती हैं वो 5 से 5.5 मिलियन पर एम एल
ऑफ ब्लड रहती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन वन इज करेक्ट। और WBC वाइट ब्लड सेल्स जो आपकी रहती हैं वो रहती हैं 6000 से 8000 पर ml ऑफ ब्लड। और जो प्लेटलेट्स आपकी रहती हैं, प्लेटलेट्स वो आपकी रहती हैं 1.5 से 3.5 लाख पर ml ऑफ ब्लड। By which process a tadpole develops into an adult frog? जो बेबी फ्रॉग होता है, बेबी फ्रॉग, उसको हम टैडपोल लार्वा बोलते हैं, टैडपोल लार्वा। और जब ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है, एडल्ट फ्रॉग में, तब ये फ्रॉग कहलाता है। तो इस ये जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन इसका, ये आपका मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस। तो देखिए, जब ये टैडपोल लार्वा होता है तो ये फिश लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, तो ये स्किन से सांस लेता है और इसकी टेल भी होती है, और इस टाइम पर ये जो सांस लेता है ये लंग्स से लेता है, ये डिफरेंस रहता है। तो प्रोसेस जो है वो मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। ऑप्शन टू इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल? ये देखिए, ये ह्यूमन आई की बात की जा रही है। जब आँख की आँख पर बहुत तेज प्रकाश पड़ता है, एकदम से चमक पड़ती है, तब जो आँख बंद करने का जो सिग्नल होता है वो कौन भेजता है, किसको भेजता है? तो देखिए, आपकी जो ह्यूमन आई होती है, ह्यूमन आई में जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से आपकी ह्यूमन आई है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इस तरीके से ये सेल्स होती हैं जो आपकी ऑप्टिक लोब मिड ब्रेन से जुड़ी होती हैं, ठीक है, तो इनको हम फोटो सेंसिटिव सेल्स भी बोलते हैं या फिर लाइट सेंसिटिव सेल्स भी। तो ऑप्शन वन इज करेक्ट। इसकी वजह से तो ये जो सिग्नल भेजती हैं ये आपके माइंड को भेजती हैं कि भाई बहुत तेज प्रकाश पड़ा है, एकदम से चमक पड़ी है, तो आँख बंद कर लो, कम है तो आँख फैला के हम उसको देख रहे हैं, जैसे डिम लाइट है तो चीज़ों को देखने के लिए हम अपनी आँख फैला लेते हैं। तो ये इस टाइप के जो भी सिग्नल होते हैं वो फोटो सेंसिटिव सेल्स या लाइट सेंसिटिव सेल्स ही भेजते हैं। तो देखिए, ये सब आप डीप में पढ़ेंगे लेक्चर्स में। अब ये फोटो सेंसिटिव सेल्स भी जो होती हैं वो आपकी दो टाइप की होती हैं, टू टाइप्स की, एक होती हैं रॉड्स और एक होती हैं आपकी कॉन्स। ये तब एक्टिव होती हैं जब डिम लाइट हो, डिम लाइट, और ये कॉन्स आपके तब एक्टिव होती हैं जब ब्राइट लाइट की बात हो। ठीक है, इतना बता दिया, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। विच एमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी? जो ह्यूमन बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो किस किस पार्ट से मिलकर बना होता है? तो देखिए, जो नर्वस सिस्टम होता है वो आपका दो प्रकार का होता है, एक CNS और एक PNS। यहाँ पे CNS पूछा है शॉर्ट में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये आपका बना होता है, देखिए ये कुछ इस तरीके से होता है, ये मान लीजिए आपका ब्रेन है, ठीक है, और इससे ये निकली हुई स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो CNS जो आपका बना है, बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। ठीक है, और जो मस्तिष्क वाला पोर्शन होता है उसको क्रैनियल भी सिस्टम बोलते हैं। तो पेरिफेरल में जो इसकी जुड़ी हुई नर्व्स होती हैं उनको क्रैनियल नर्व्स भी बोलते हैं, और स्पाइनल से जुड़ी जो होती हैं उनको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। अब आप देख लीजिए, अगर आपसे CNS का पूछा जाए तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, अगर पेरिफेरल पूछा जाए तो क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, मतलब इनसे निकली हुई जो नर्व्स होती हैं वो पेरीफेरल हो गई, और जो मेन ये है ब्रेन और आपका स्पाइनल, ये CNS हो गया। इन 1956 मीना मादा डिजीज इज पास कॉज बाई विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन? ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, ये वाटर पॉल्यूशन होती है। ठीक है, जब HG की मात्रा वाटर में आपकी ज़्यादा होती है, ड्रिंक वाटर, तभी होती है। ऑप्शन टू इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? वो चीज़ें जिनको हम नष्ट नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, जैसे कि प्लास्टिक, वो आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें आपकी कहलाती हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो वेस्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, अगर वो ख़त्म नहीं हो सकता तो हम उसको रिसाइकिल करके फ्री यूज कर सकते हैं। तो बेस्ट सॉल्यूशन इसके लिए रिसाइकिलिंग ही है। ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। इन विच कंडीशन ट्री इज मोस्ट वल्नरेबल टू डाई? किस कंडीशन में जो पौधा होगा या पेड़ होगा वो मर जाएगा? तो देखिए, ह्यूमन होता है उसको भी खाने की ज़रूरत होती है, फूड और वाटर। सेम प्लांट को भी
दोनों चीज़ों की जरूरत होती है, फूड और वाटर। मान लीजिए अगर एक ट्री है, ठीक है, उसको अगर पानी की सप्लाई मिल भी रही है, वो अपनी रूट से ले रहा है, और उसकी ये पत्तियां हैं इस तरीके से, अगर उसकी पत्तियां ही सब ख़त्म हो जाएं, देखिए ट्री में जो या पेड़ में पौधे में जो खाना बनता है वो किससे बनता है, जब ग्रीन कलर का पिगमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है आपका, वो लीव्स में होता है ना, तो जब वहाँ पे ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल हो जिसको बोलते हैं, वो होता है, वही तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अकर करता है, तो जिस वजह से प्लांट का खाना बनता है। अगर सारी पत्तियाँ ही उसकी ख़राब हो जाएँ, नष्ट हो जाएँ, बेकार हो जाएँ, तो ट्री में खाने का कुछ सिस्टम बचेगा ही नहीं, जिस वजह से जो पेड़ होगा या पौधा वो मर भी सकता है। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, ड्यूरिंग लॉस ऑफ इट्स ऑल लीव्स, ऑप्शन टू इज करेक्ट। टैगा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इको सिस्टम, टैगा जो एग्जाम्पल है वो है आपका फॉरेस्ट इको सिस्टम का, ऑप्शन टू करेक्ट। विच इज ए बेस मेटल ऑफ अमलगम अलॉय, देखिए जो होता है मिश्रण, किन्हीं दो चीज़ों का मिश्रण, अमलगम, तो अमलगम कब बनता है आपका, देखिए कोई भी अगर मेटल है आपकी, उसको एच जी से में मिलाया जाए, एच जी प्लस मेटल, तब आपका बनता है अमलगम, ठीक है। तो देखिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ऐसा बेस मेटल मतलब ऐसा कौन सा मेटल जिसको मिलाने तो जिसको मिलाना ही मिलाना है तब अमलगम फॉर्म होगा, तो देख लीजिए एच जी है आपका, तो मरकरी है, ऑप्शन टू इज करेक्ट। और ये जो इस टाइप के अमलगम रहते हैं ये जनरली डेंटल फिलिंग में यूज होते हैं, डेंटल फिलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल, और ये सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, शीट लाइक, तो ऑप्शन टू इज करेक्ट। और फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो आपका C60 कंपाउंड का, जिसको हम फुलरीन भी बोलते हैं, फुलरीन, ये भी पूछा जा सकता है। ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड बिल, अगर लकड़ी के एक चम्मच को एक आइसक्रीम में डुबोया जाए तो उसके दूसरे एंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो ठंडा होगा, कम होगा, नहीं होगा, किसकी वजह से होगा, ये सब। तो देखिए जो लकड़ी का चम्मच है ना, तो जो वुड होती है वो बैड कंडक्टर होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, तो उसके अदर एंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नॉट बिकम कोल्ड, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। विच एसिड इज द मोस्ट अबंडेंट एसिड फाउंड इन ग्रेप्स, ग्रेप्स में सबसे ज़्यादा एसिड कौन सा पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका टार्ट्रिक एसिड, ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। इसके अलावा आपका मैलिक एसिड भी होता है, लेकिन उन्होंने पूछा मोस्ट अबंडेंट तो टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, वरना ये भी होता है, ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड, वाइट लाइट का आपने जो सात कलरों से मिलकर बनी होती है उसमें टूटना या बिखर जाना वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है डिस्पर्जन, ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। जैसे मान लीजिए ये वाइट लाइट आ रही है, ये आपका एक प्रिज्म है, तो जब ये इससे गुजरेगी ना तो ये सात कलर में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बेब ग्योर भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, देखते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है आपका, मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू कॉइल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड कॉइल, ये तो पीछे ही बताया था, तो ये भी सही है, ऑप्शन जो सारे ही ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं। विच गैस इज यूज एज ए फ्यूल इन रॉकेट, रॉकेट में फ्यूल के तरह से कौन सी गैस यूज की जाती है, तो ये आपकी की जाती है हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन टू इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड इंसुलेटर, निम्न में से कौन सा है जो अच्छा कुचालक है, ग्लास आपका एक अच्छा कुचालक है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। कैरेट में, गाजर में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है, वो आपका पाया जाता है विटामिन ए, जिसको हम साइंटिफिक नेम उसका रेटिनॉल भी है, रेटिनॉल। हाउ द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड, किस मीडियम के थ्रू, किस माध्यम से हम वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है रूट के थ्रू हम बढ़ा सकते हैं, तो जब हम किसी प्लांट को कीपिंग द प्लांट्स अंडर द फैन, इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, तो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। क्यों बढ़ा सकते हैं, आप देखिए, जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, उससे पहले भी समझिए कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन,
ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो प्लांट होता है वो रूट से वाटर को लेता है, ठीक है, ये प्रोसेस 24 घंटे चलती रहती है, लेता रहता है। तो जब प्लांट को जितनी ज़रूरत होती है, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है आपका, उसको जितनी ज़रूरत होती है और उससे ज़्यादा अगर एक्सेस उसने वाटर ले लिया है, तो वो क्या करता है, जो पत्तियों की सतह होती है जिसको हम स्टोमेटा भी बोलते हैं, स्टोमेटा, उस पर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ला देता है, जिससे पत्ती नम भी रहती हैं। आप देखते होंगे सुबह सुबह पत्तियाँ नम रहती हैं, वो इसी ट्रांसपीरेशन की वजह से रहती हैं, ठीक है। तो अगर हमें ये चीज़ बढ़ानी है ट्रांसपीरेशन, जब ट्रांसपीरेशन होगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। एब्जॉर्प्शन ज़्यादा क्यों होगा, जब जैसे मान लीजिए हमने इस प्लांट को फिर फ़ैन के नीचे रख दिया, तो फ़ैन की वजह से क्या होगा, जो ट्रांसपीरेशन यहाँ पत्तियों पर स्टोमेटा पर ज़्यादा हो रहा होगा, वो और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने लगा, उसका इवेपोरेशन ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से वो रूट से और ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा, काफ़ी तेज़ी से आपका पानी खींचेगा, ठीक है। तो देखिए ट्रांसपीरेशन जो होता है वो तो 24 घंटे आपका होता रहता है, 24 आवर्स। लेकिन आपने देखा होगा कि जो पत्तियाँ होती हैं वो सुबह के टाइम नम होती हैं, वो एक तो इस रीजन से होती हैं, क्यों, क्योंकि रात में सूरज निकलता नहीं है, रोशनी होती नहीं है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन अकर नहीं होता है, और दिन के टाइम में पत्तियाँ इतनी नरम नहीं रहती हैं रात की कंपैरिजन में, ठीक है। तो फिलहाल ये सब तो इससे रिलेटेड डिटेल थी, जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन 3 है, क्यों, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ जो वाटर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसपीरेशन के, ट्रांसपीरेशन, अगर ट्रांसपीरेशन ज़्यादा हो गया तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी ज़्यादा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ये सब मैंने आपको बता दिया। ए स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज, देखिए पहले ये समझिए स्पोर क्या, जो स्पोर फॉर्मेशन आपका होता है, स्पोर फॉर्मेशन, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसकी एक फॉर्म है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सभी फंजाई, जितनी भी फंजाई होती है उनमें होती है, एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट में स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया बहुत। तो देखिए आपकी फंजाई क्या है, ब्रेड जो है आपकी वो एक फंजाई है, ब्रेड मॉल्ड, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। विच क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनलीनेस इन मैन, मैन के जो कौन सा क्रोमोसोम है जो मैन को प्रदर्शित करता है, तो ये आपका एक्स वाई है, एक्स एक्स फीमेल को, एक्स वाई मेल को, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। द ह्यूमन आई फॉर्म्स इन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना, ह्यूमन आई में जो इमेज बनती है वो रेटिना बनती है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो देखिए जो फंजाई, स्पायरोगेरा, हाइड्रा, ये तीनों ही हैं, ये आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, और पैरामीशियम जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय कैडमियम मेटल पॉल्यूशन, कैडमियम की मात्रा बढ़ने से कौन सी डिजीज होती है, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, अगर ड्रिंकिंग वाटर में बढ़ जाती है तो ये आपकी होती है इटाइटाई, जिसको आउच आउच भी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक गैस, एथिलीन डाइक्लोराइड जो है वो आपकी ऑर्गेनिक गैस है, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी है। बेसल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ये पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, ये ट्रांसबाउंड्री हजार्डस डंपिंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासिटिक फूड चैन, पैरासिटिक वो होते हैं जो दूसरों, अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो देखिए जैसे ट्रीज हैं, ट्रीज ने अपना खाना खुद बनाया, और उनसे जो फ्रूट्स निकले उनको वर्ड्स ने खाया, तो ठीक है ना, वर्ड्स किस पे, फ्रूट्स पे डिपेंड होगा, और जो लाइस और बग्स हैं वो वर्ड्स पे डिपेंड हो जाएंगे, तो ये आपका पैरासिटिक फूड चैन, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिमेंस इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे कौन सी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी, वो आपकी है मरकरी, मरकरी हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है, HG। एक्वा रेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ, तो देखिए एक्वा रेजिया होता क्या है आपको समझिए, इसमें HCl प्लस HNO3 का ये कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कि ये 3:1 के रेशो में, HCl 3 भाग होना चाहिए, HNO3 एक पार्ट होना चाहिए, ये जो कॉम्बिनेशन आपका होता है ये एक्वा रेजिया कहलाता है, ठीक है। और लेकिन ये दोनों जो हैं ये आपके कंसंट्रेटेड फॉर्म में होने चाहिए, कंसंट्रेटेड फॉर्म, ठीक है, बोथ दोनों ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो, 3:1 के रेशियो में, कौन कौन हो, HCl और HNO3 हो। और ये इतना पावरफुल होता है कि ये सोना और प्लेटिनम जैसी जो कि ये इनर्ट मेटल, इनको इनर्ट मेटल बोलते हैं, इनर्ट मेटल मतलब किसी से रिएक्शन करते हैं, ये इनको भी घोल लेता है अपने अंदर। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है,
आपका ऑप्शन है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ऑप्शन फोर इज करेक्ट। इन ए कॉनकेव मिरर, देखिए ध्यान दीजिएगा, मिरर पूछा है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इमेज विल बी, अगर कॉनकेव मिरर में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि होता है इसी पर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज भी आपकी यहीं पर बनेगी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। व्हाट इज द मास ऑफ फोर मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, जो एक मोल एल्यूमिनियम एटम होता है उसका एटॉमिक वेट जो रहता है 27, तो अगर चार का करेंगे तो 27 × 4 कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 108 ग्राम, ठीक है, ऑप्शन टू इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल बाई रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का जो आप जानते होंगे परमाणु मॉडल है, ठीक है, तो उसमें उन्होंने जो थिन गोल्ड जो फॉइल थी उस पर अल्फा पार्टिकल्स को गिराया था, ठीक है, ऑप्शन फोर इज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कौन से स्टेटमेंट हैं जो ट्रू हैं, पढ़ते हैं, फ्यूज इज जनरली प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस, जो भी आपके घर में डिवाइस होते हैं या जो अप्लायंसेस रहते हैं उसमें ये सीरीज में लगाया जाता है, ये ऑप्शन तो सही है। फ्यूज इज जनरली प्लेस्ड इन पैरेलल, तो ये तो गलत हो गया, सेम चीज़ पूछ रहे हैं बस पैरेलल करके, तो ये गलत है। फ्यूज वायर हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो उसको लगाने का फ़ायदा ही क्या, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसलिए तो लगाते हैं ताकि अगर वोल्टेज हाई हो जाए तो सबसे पहले फ्यूज जुड़ जाए ताकि बाकी अप्लायंसेस बच जाएँ, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ऑप्शन वन इज करेक्ट, ओनली वन। ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन ईच, कब वो चेंज जो करंट होगा वो चेंज करेगा अपनी डायरेक्शंस को, देखिए रेक्टेंगुलर कॉइल है ना आपकी इस तरीके से, जब वो रोटेट करेगी उसमें तो हर हाफ रिवॉल्यूशन मतलब आधा रिवॉल्यूशन जब वो कर लेगी और ये कंप्लीट होने के लिए दूसरा हाफ, तब वो चेंज अपनी डायरेक्शन करेगी हर एक हाफ पे, तो हाफ रिवॉल्यूशन, ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। नॉइज इज मेजर्ड इन विच यूनिट, डेसिबल में नाप ही जाते हैं, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग अल्वर्ट और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये पीछे मैं बता चुका हूँ, विटामिन के, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ब्रीदिंग रेट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन कैन इंक्रीज अप टू, एक मिनट में कितनी बढ़ सकती है, तो ये आपकी 25 तक बढ़ सकती है, ठीक है, तो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। वाई इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज रेड, ठीक है, रेड कलर किस कारण से होता है, तो ये आपको होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में भी आपका आयरन होता है, आयरन की वजह से रेड कलर होता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं आयरन या हीमोग्लोबिन देखे, तो ऑप्शन टू इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, तो देखिए फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपका गलत है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन जो होता है उसके लिए आपको दो पैरेंट सेल चाहिए होती है, एक मेल और एक फीमेल, जैसे मान लीजिए XY और XX, इससे जो होगा उसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। जो ए सेक्सुअल होता है उसमें और टाइप की मतलब होती हैं, उसमें ये फर्टिलाइजेशन अकर नहीं करता है, उसमें जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, और भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो ऑप्शन फोर इज इनकरेक्ट। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एराइज ऑफ मायोपिया, मायोपिया का जो रीजन है वो क्या है, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, ठीक है, तो मायोपिया क्या होता है, जैसे मान लीजिए ह्यूमन आई है, ठीक है, तो ह्यूमन आई में उसमें मान लीजिए ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है, ठीक है, वो उसकी फोकल लेंथ से पहले ही बन जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बननी थी तो यहाँ पर ही बन गई पहले ही, इसलिए आपको नज़दीक वाला दिखाई नहीं देता है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन हो सकता है कर्वेचर ऑफ द आई लेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब कि कर्वेचर अगर ज़्यादा हो गया उसका तो जाहिर सी बात है उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, जब फोकल लेंथ कम हो जाएगी मान लीजिए ऑब्जेक्ट तो अपनी ही जगह पर बन रहा है लेकिन फोकल लेंथ कम हो गई, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये इमेज जो फॉर्म हो गई वो पहले ही फॉर्म हो गई, जिसकी वजह से उसको क्लियर नहीं दिखाई देता है, तो आपका ऑप्शन वन इज करेक्ट, ऑप्शन वन। विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाइज वेरी स्लोली इन कंपेरिजन टू अदर्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई होने का मतलब उनके रिप्रोडक्शन से बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा तेज सॉरी सबसे ज़्यादा स्लो कौन होता है, तो वॉर्म्स जो कीड़े होते हैं ना वो सबसे स्लो मल्टीप्लाई होते हैं, तो ऑप्शन फोर करेक्ट। द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल केमिकल्स प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है जैसे मान लीजिए जो फूड चेन होती ना आपकी, जैसे मान लीजिए तो उसमें जो नॉन डिग्रेडेबल आइटम्स हैं या केमिकल्स हैं वो किसी एक ट्रॉफिक लेवल पे किसी एक
मतलब जीव ने खाया, ठीक है, उसको खाया तो उसमें उस केमिकल्स का कुछ पार्ट गया, फिर उसके नेक्स्ट वाले ट्रॉफिक लेवल के उस जीव ने उसको खाया तो उसका कुछ हिस्सा उसमें एक्युमुलेट हुआ, फिर उसको तीसरे ने खाया तो उसमें एक्युमुलेट हुआ, तो ये इस तरीके से मैग्नीफाई होता जाता है, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो मैग्नीफिकेशन कहलाता है वो आपका बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहलाता है। ऑप्शन वन इज करेक्ट। वाई ताजमहल इज सफरिंग फ्रॉम मार्बल कैंसर, तो ये जो आपका हो रहा है बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन वन इज करेक्ट। जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर, उसमें आपकी SO2 सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो जब बारिश होती है H2O, तो प्लस ये SO2 से मिल जाता है, जो एटमॉस्फेयर में एयर में आपकी SO2 होती है, तो रेन तो वाटर है ही, तो ये आपका H2SO4 बना लेता है, जिसको हम एसिडिक रेन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपके जो ताजमहल का कलर है वो डीकलराइज कर रहा है, उसको येलोइश कर दे रहा है। तो अल्टीमेटली जो देखा जाए वो रीजन कौन है, SO2, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। कैंसर ट्रीटमेंट इज डन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस, कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सी गैस आपकी यूज की जाती है, तो रेडॉन की जाती है, ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल प्राइमेट्स आर प्रेजेंट इन इकोसिस्टम, तो ये आपके 3 टाइप के होते हैं, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। और कौन कौन से हैं देख लीजिए, इकोलॉजिकल प्राइमेट्स जो आपके हैं, एक तो होता है बायोमास प्राइमेट, दूसरा होता है आपका एनर्जी, और तीसरा होता है आपका नंबर, ठीक है, ये 3 होते हैं आपके। तो ये था आज का आपका लेक्चर, आई होप आपको मज़ा आया होगा। इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे तो मिल ही जाएगी। तो मिलते हैं, ये था आपका साइंस का PYP 2, और मिलते हैं PYP 3 में। ओके, बाय बाय।